अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बनाना सिखाते हैं सूखी फिश का पुलाव। जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 500 ग्राम हमने सूखी फिश ली है जिसे हमने एक घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। 2 अदद हम कटी हुई प्याज लेंगे, 5 अदद हम कटे हुए टमाटर लेंगे, 4 अदद हमारी मिर्चें लेंगे बड़ी, 3 टेबल स्पून हम लेंगे हरा धनिया, 3 से 4 अदद हम लेंगे हरी मिर्चें कटी हुई। इसके लिए हमें जो स्पाइसेस चाहिए, इसके लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून हम लेंगे नमक, 1 टी स्पून हल्दी लेंगे, 1 टी स्पून कुटा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च हम लेंगे 1/2 टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हम लेंगे 1/2 टी स्पून, हरा धनिया पिसा हुआ हम लेंगे 1/2 टी स्पून और तेल हम लेंगे 1 कप। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल लिए हमने 4 कप जिसे हमने पानी में भिग, सबसे पहले हम तेल डालेंगे इस पे। अब हम प्याज डालेंगे इस पे। प्याज को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को लो में रखेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे सारे स्पाइसेस मसाले। हम इसको कवर करेंगे 20 से 25 मिनट तक, ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए और गल जाए टमाटर। 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। हमें हमारे अच्छे से गल चुके हैं लो फ्लेम पर। अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया कटा हुआ, थोड़ी देर पे इसको भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। हम फिश ऐड करेंगे। अब हम इसको भून लेंगे हाई फ्लेम पर। मसाले हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 4 गिलास के जितना। अगर आप चाहें तो जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। हम डालते हैं थोड़ा सा इसके बॉयल होने का। अब इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। जब ये बॉयल आ जाएगा इसको तो हम चावल डाल देंगे। अब हम चेक करते हैं, हमारे पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसे चावल ऐड करेंगे। चावल हमने डाल दिए हैं। हम हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं, देखिए पानी खुश्क हो रहा है। अब हम फ्लेम को लो पे रखेंगे और देखिए नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये रिजल्ट है हमारे चावलों का। अब हम इसको दम पे रखेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर